हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल एस टी वन सिक्स फाइव ये क्या है अपना संगम एज का पार्ट फोर है दिस इज हिस्ट्री क्लास ऑफ चैप्टर ओके अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी कम्पलीट हो गए हैं कल्चरल एंड इकोनॉमिक कनेक्शन भी कम्प्लीट हो गया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ संगम एज भी कम्पलीट हो चुका है नाउ फ्रॉम टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट थ्री किंगडम्स The chair the cholas and the pandyas this is the map of the three where you find can find the location of three kingdoms chair cholas and pandyas let's begin the discussion of chair kingdom before discussing just share and subscribe our channel so that more and more student can connect with us and can get the information that some or the how in this platform we are teaching whole of icse history from 6 to tenth. so without Wasting any time, let's begin the topic cheras kingdom or the chairs. Okay, so the chairs. I had told you in part four that the this is the Deccan area or South Indian area and the area along the western coast. This is western coast coast, and this is eastern coast. Okay. ये क्या है वेस्टर्न कोस्ट और ये क्या है ईस्टर्न कोस्ट सो वेस्टर्न कोस्ट दिस एरिया वेर द प्रेजेंट केरला इज इज लोकेटेड दिस द लोकेशन ऑफ द चेरास किंगडम ठीक है ना जहां पर जो प्रेजेंट केरला है ना वहां पर जो लोकेशन है ना प्रेजेंट में किसकी है चेरास किंगडम की उस समय यहाँ या, पे लोग क्या है रूल कर रहे थे ओके okay. इसके बाद क्या है यू नो द फेमस रूलर अशोका

क्योंकि ये केरला साइड पर क्या है अभी प्रेजेंट में आपको दिख रहा होगा और ए, केरला साइड ही था यहाँ पे आपको मैप में भी दिख रहा है ठीक है ना सो so, जो यहाँ पर जो एरिया है जो केरला का था और चेरास लोग रहते थे ठीक है? तो इस वजह से क्या है ये जो केरल साइड से थे और चेरास थे इसीलिए जो अशोका ने अपने रॉक एडिक में जो लैंड ऑफ चेरास को क्या बोला है केरला पुत्रास क्या बोला है केरला पुत्राज, केरल के पुत्र केरला ओके? एंड जो संगम लिटरेचर है संगम लिटरेचर जो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है मोस्टली उसमें क्या है कई सारे रूलर्स के नेम पता चलते हैं जिन्होंने क्या है चेर चोर किंगडम है उस पर क्या है शासन किया था या फिर रूल किया था अमोंग दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज उदय जिराल नेम Odeyang Yangal Zeral. So you uh, should know the name of these rule Ruler Odeyan Jaral. Okay. And another ruler which ruled in this uh, region was Nadun Ziral and one These are the important rulers who rule under the Cher kingdom. Okay. फिर क्या हुआ मतलब कुछ टाइम बाद क्या है चेरास का रूल चल रहा था उसके बाद क्या है इन पर चोलास लोग आक्रमण करते हैं चेरास डिफीट हो जाते हैं ठीक है इससे पहले चेरा डिफीट होते हैं पल्लव से तो पहले जो चेरा रूल कर रहे थे इन पर कौन आक्रमण करता है पल्लव तो पल्लव क्या है इनको हराते हैं ओके इसके बाद आते हैं चोलास और चोलास कंप्लीट जो एम्पायर है उस पे क्या है क्या है डोमिनेशन क्या कर लेते किया okay? so we'll कि था चोलास किंगडम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ओके okay? सो so चेरास पढ़ेंगे किसके बारे में चोलास किंगडम के बारे में ये भी क्या है पुराने टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम थे जिस टाइम पर चेरास चल रहे थे ना उसी के टाइम पर चोलास भी थे दूसरे रीजन में और उसी टाइम पर क्या है पांड्यास भी थे दूसरे रीजन में तो ये क्या है सभी समकालिक हैं एक ही टाइम के क्या है ये सारे रीजन हैं ओके सो आपको याद रखना है इसमें जो कावेरी डेल्टा बनता है जो कावेरी रिवर है और उसके आसपास जो तो डेल्टा बनता है वहां पर इनका रीजन था इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूर थे चोला के अगर कोई पूछे कि सबसे महान शासक कौन थे तो आपको नाम याद रखना है कारिकल या करिकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर और चोलास किंगडम ठीक है और चोला किंगडम ने बहुत ही मतलब अच्छा काम किया वाइज भी और इनके अंदर कई सारी टेरिटरी इनके इन्फ्लुएंस में भी थी ठीक है अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में पांड्यास किंगडम के बारे में तो जो पांड्यास किंगडम थे ना जो पांड्यास भी बहुत ही पुराने टाइम के माने जाते थे क्योंकि बता चुकी हूं तीनों एक ही टाइम के थे और ये टाइम कब का चल रहा है संगम एज के टाइम के बात हम लोग कर रहे हैं ठीक है पांड्या के जो इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे नैदुन जेलियान क्या नाम था नैदुन जेलियान ये पांड्यास के इंपॉर्टेंट किंग थे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे पांड्या के इन्होंने लगभग थर्ड सेंचुरी एडी तक काम uh, किया था मतलब uh, शासन किया था उसके बाद चेरास और चोलास दोनों ने मिलकर इनको हरा दिया था और इनकी टेरिटरी को क्या है कैप्चर कर लिया था सो दिस इज इन आईसीएससी क्लास नाइन देर इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ चेरास चोलास एंड पांड्यास सो वी विल कवरिंग ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज किंगडम्स ओके in detail we will uh, bring the separate uh, videos of Chedas, cholas and pandyas where you can learn more about these kingdoms but in this chapter there is only an introduction of these kingdoms so we had understood where they are located with the help of this map or with or manually about the important rulers of these regions and how the territory expanded and what are the other things conflicts to be understood okay after that we will learn about the social condition economic condition and at last but not the least socio-economic inequalities in between the region or in sangam age but that will be continued in part five so in this video we had only discussed the cheras cholas and pandya general introduction or information And part five will be more importantly important for the sangam age so, get connected and share our channel, subscribe our videos, and wait for part 5. Thank you for watching this video.